नमस्कार, मैं गौरी स्वागत करती हूं आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की। यहां लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक स्थित प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। बात होगी हापुड़ की। यहां जाल में फंसाकर ऑनलाइन पैसे की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया। चर्चा करेंगे कानपुर की। यहां गांधीवादी तरीके से मकनपुर चौकी इंचार्ज राजन कुमार मौर्य ने कराया यातायात नियमों का पालन। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लोकसभा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक दिल्ली में स्थित प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य दर्शन कर आरती की और रुद्राभिषेक में सम्मिलित होकर समस्त देशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं आशा करती हूँ भोले बाबा जी की कृपा सदैव सभी लोगों पर बनी रहेगी। दिल्ली से सीनू संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की महिलाओं के काल्पनिक नामों से आईडी बनाकर भारत के लोगों से दोस्ती कर उनको अपने जाल में फंसाकर ऑनलाइन पैसे की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 विदेशी नागरिक व एक भारतीय महिला सहित 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी रसीदें व नकदी बरामद हुई है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, थाना पिलखुआ में एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, जिसमें वादी ने बताया था कि उनसे एक फेसबुक में किसी ने महिला बनकर के दोस्ती करी और फिर उनको बताया गया कि वो कैलिफोर्निया से बोल रही हैं और वे उनसे मिलने के लिए आना चाहती हैं भारत। फिर उन्होंने बताया कि मैं भारत आ गई हूँ और मुझे कस्टम्स ने कुछ सामान के साथ पकड़ लिया जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लाई थी, और उसको रिलीज़ कराने के एवज़ में उस महिला जो बन करके बात करी थी इनसे लगभग 1,00,000 रुपये ठग लिए थे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से उस महिला द्वारा इनसे चैट की गई थी। जब साइबर थाना की पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें 2 नाइजीरियन मूल के निवासी हैं। इसका नाम पीटर उर्फ डेविड है, जो मूल रूप से नाइजीरिया के लागोस के निवासी हैं और हाल फिलहाल अभी तिलकनगर दिल्ली में रह रहे हैं। एक और पुरुष है जिनका नाम माइकल डिनो एरिक्स है, ये भी नाइजीरिया के निवासी हैं और जो अभी तिलक नगर दिल्ली में रह रहे हैं। और एक भारतीय महिला मर्सी पत्नी माइकल, जो मूल रूप से नागालैंड की निवासी और इनकी माइकल डिनो एडेक्स की पत्नी है, जो इनके साथ दिल्ली में रह रही हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इसी तरीके से ठगते थे, उनसे पैसे लेते थे और पैसे को फिर विड्रॉ करके जो एटीएम कार्ड वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। इनके पास से कुछ फेक वीज़ा, जो भारतीय वीज़ा है, वो बरामद हुए हैं। कुछ फेक पासपोर्ट की फोटोकॉपी इन पर बरामद हुई है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अन्य एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अब तक कितनी ठगी की वारदात हुई है, अंदाज़ दे चुके हैं? देखिए, पिछले 4-5 महीनों के अंदर इसमें इन्होंने 5 से 6 लाख रुपए की ठगी करी है, जो इनके अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं और अन्य अकाउंट की डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ इसमें इनकी एम्बेसी को भी सूचना दी जाएगी कि इस तरीके से ये लोग इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम जखेड़ा में 4 दिन पूर्व हुई जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारने की घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को वेटकुट्टी मार्ग गंदू नगला गोलू के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम जखेड़ा में 4 दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलाहा, पल्सर बाइक, होंडा सिटी कार व 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। देखिए, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 29 तारीख को एक गोली चलने की सूचना आई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गए थे जिनका नाम संजीव है, उनकी पीठ में गोली लगी थी और ये गोली बड़ी संदेहास्पद स्थिति में शाम के टाइम पे जब ये खेत पे संजीव काम कर रहे थे तो इनको लगी थी। पुलिस को जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई गोली लगने की, तत्काल जो घायल पक्ष है उसको अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने जाकर के
सभी तथ्यों को जांच करी गई, सभी तथ्यों को चेक किया गया। जब सभी फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया तो ये पता चला कि एक खेत के विवाद को लेकर के दो पक्षों में काफ़ी दिनों से रशाकशी चल रही थी, जिसमें एक पक्ष का नाम किशन बिदूड़ी है और दूसरा पक्ष प्रमोद चौहान है। किशन बिदूड़ी और प्रमोद चौहान के बीच में ज़मीन को लेन देन को लेकर के एक विवाद चला आ रहा था और पैसे की कुछ बात थी जिसका विवाद था। इस विवाद को दृष्टिगत रखते हुए प्रमोद चौहान ने अपने साथी राजू के साथ मिलकर के दीपेश और मोहित को डराने धमकाने के उद्देश्य से संजीव के ऊपर गोली चलाने के लिए दो शूटरों को हायर किया था, जिसका नाम दीपेश उर्फ दीपक और मोहित उर्फ चीमा है। इन दोनों लोगों को लगभग 50,000 रुपए की सुपारी और एक गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई थी यहाँ से भागने के लिए। और दीपेश दीपक और मोहित ने जाकर के राजू ने इनको बताया कि संजीव इस समय खेत पे काम कर रहा है और वो अकेले है और उसके आसपास कोई नहीं है। इन्होंने जाकर के उसके ऊपर फायर किया जिसमें उसको एक गोली लग गई थी। इनके पास से जो इन्होंने असलाह इसमें उपयोग किया है, जो गाड़ी घटना में उपयोग करी है, जो बाइक उपयोग करी है, वो सभी कुछ पुलिस ने बरामद किया है। इसमें राजू, दीपेश और मोहित अभी अरेस्ट है। प्रमोद चौहान जो दिल्ली के हैं, जिन्होंने इनको सुपारी दी थी, वो अभी वांटेड हैं, फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। सर, शूटर जो हैं पहले भी अपराधिक मामले दर्ज हैं? ये दीपेश और जो मोहित हैं, दोनों पे ही आपराधिक मामले पूर्व में दर्ज हैं। ये मोहित के ऊपर लगभग 7 मुकदमे पहले से ही लिखे हुए हैं, अलग अलग थानों के, गाजियाबाद के, बुलंदशहर के और हापुड़ के। और जो दीपक नाम का जो इसमें अपराधी है, उसके ऊपर भी एक बार एक लूट का मुकदमा गढ़मुक्तेश्वर का और सिंभावली में भी 307 के मुकदमे उसके ऊपर। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। गांधीवादी तरीके से मकनपुर चौकी इंचार्ज राजन कुमार मौर्य ने कराया यातायात नियमों का पालन। पहले तो राहगीरों को ठंडा पानी व शरबत पिलाया, इसके बाद लोगों से अनुरोध किया सभी लोग आवश्यक काम से ही बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी तपती धूप में चौकी इंचार्ज ने मकनपुर मदार गेट के बाहर लोगों को शरबत व ठंडा पानी वितरित किया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। कानपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट। भागवत कथा कली मल से मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है, ये मन को पवन कर भक्ति प्रदान करता है तथा साक्षात भगवान कृष्णा के सानिध्य को प्राप्त करता है। इस कथा के श्रवण मात्र से मानव मृत्यु के भय से मुक्त होकर साक्षात परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। उक्त बातें भागवत कथा वाचिका गायत्री देवी तिवारी में मधुबन प्रखंड स्थित श्री कृष्ण गौशाला के समीप भागवत कथा के समापन के दिन कही। उन्होंने कृष्ण विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष आदि वृतांतों को सरस और मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तुति एवं गायन कला ने श्रोतागण श्रद्धालुओं को भक्ति के सागर में गोते लगाने को विवश कर दिया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।